सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सिरोही से सामने आ रही है। सिरोही में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिप्टी रजिस्ट्रार राजेंद्र प्रसाद दायमारेश्वर देते ट्रैप किया गया है। 8,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है और सिरोही एसीबी एएसपी नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो रिश्वतखोरी की बात लगातार सामने आ रही थी और इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार राजेंद्र प्रसाद दायमा रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। 8,000 की रिश्वत लेते हुए टीम ने इसे ट्रैप किया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, सुराग जुटाए जा रहे हैं, फाइल्स को खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों की जांच चल रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, कैसे इस घूसखोर तक पहुंची टीम? जी दिव्य, बताना चाहूंगा ये सिरोही के अंदर आज सिरोही एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक डिप्टी रजिस्ट्रार को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये पूरा जो मामला है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पूर्व व्यवस्थापक है जिसने कुछ ऑडिट तरह की कुछ फाइल मांगी थी लेकिन वो फाइल ये दे नहीं रहे थे डिप्टी रजिस्ट्रार, और उस फाइल को देने के लिए उन्होंने 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा मामला है। वो एसीबी के पास में गया और एसीबी की टीम ने आज राजेंद्र दायमा जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उनको रिश्वत लेते 8,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और अभी पूरी की पूरी कार्रवाई है, वो अतिथि होटल के पीछे एक जो डिप्टी रजिस्ट्रार का कार्यालय है वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं विक्रम? जी, इसमें ये राजेंद्र दायमा जो है ये लंबे समय से यहाँ पे सिरोही के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पे लगे हुए हैं और इनका एक सत्र राज यहाँ पे चल रहा था और ये लंबे समय से इनका पूरा का पूरा जो खेल है वो चल रहा है। इसमें और लोगों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी नारायण सिंह जी जो एसीबी के एएसपी है वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस जानकारी के लिए। और